I'm going to talk in Hindi and some of the main points. मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ मैं उसको English में भी बोल दूँ and rest of the conversation we will summarize the main points. Okay, Ashish, can you share the screen? ठीक है, so सभी को नमस्कार. Thanks for joining us today इस विकल्प वार्ता के लिए. और आज की डिस्कशन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को विकल्प संगम की प्रक्रिया के बारे में बहुत संक्षिप्त रूप से बताना चाहती हूँ. सो हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बिफोर गेटिंग इनटू द डायलॉग टुडे एंड टुडेज कॉन्वर्सेशन, आई जस्ट वांट टू ब्रीफली टेक यू थ्रू द विकल्प संगम प्रोसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोसेस एंड व्हाई डिड वी स्टार्ट दीज डायलॉग्स इन दिस इन द कोरोना टाइम्स. सो विकल्प संगम प्रक्रिया की शुरुआत 2014 में हुई और इस प्रक्रिया की शुरुआत का, आशीष अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में जा सके, इस प्रक्रिया का शुरुआत का मकसद यही था कि कैसे संघर्ष और निर्माण से ये जो दोनों जुड़े हुए, बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए जो ये दोनों पहलू हैं, इनको कैसे साथ लाया जाए और कैसे जो जमीनी तौर पर प्रक्रियाएं हो रही हैं, वैकल्पिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, कैसे उनका एक समागम, एक प्रोसेस किया जा सके, एक प्रक्रिया की जा सके जिसमें वो एक साथ आ सके. सो द विकल्प संगम प्रोसेस स्टार्टेड इन 2014. द थिंकिंग अराउंड द प्रोसेस ऑफ कोर्स बिगैन मेनी इयर्स बैक व्हेन पीपल इन्वॉल्व इन बोथ प्रोसेसेस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन फेल्ट दैट देयर इज अ नीड फॉर people on the ground to come together. People were working on alternatives to have greater exchanges and dialogue. तो इस सोच से विकल्प संगम प्रक्रिया की शुरुआत हुई और इसके दो पहलू हैं, दो मुख्य पहलू हैं. एक पहलू है कि कैसे हम साथ में आकर बातचीत कर सकें. ऐसे बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं दुनिया भर में, देश भर में, जिन्हें जो अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं पर उनको एक मौका नहीं मिलता जहाँ पे वो अपने प्रयासों के बारे में डिस्कस कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे के साथ काम कर सकें और एक ऐसी कल्पना की ओर बढ़ सकें, एक सामूहिक रूप में कल्पनाओं की तरफ बढ़ सकें कि किस तरह का हम समाज चाहते हैं, किस तरह के समाज में हम रहना चाहते हैं. सो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज टू हैव सो डू आई नीड टू स्पीक लाउड. Is it not, my voice is not audible? No, it's fine. It's fine. Okay. So there are two aspects of this process. One is the physical gatherings of how hundreds or thousands of these processes and examples that exist in the country can actually come together, learn from each other, collaborate, and can do collective envisioning of the kind of futures we want and we want to move towards. एक तो ये पहलू हुआ. दूसरा पहलू है इन सारी कहानियों का दस्तावेजीकरण करना, इनके बारे में लिखना, इनके बारे में जानना और इनको लोगों तक पहुंचाना. क्योंकि कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि ये समस्या तो है लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है. तो उसको उन कहानियों को बताना कि नहीं, लोगों के विकल्प हैं, लोग प्रक्रियाएं कर रहे हैं और लोग अलग तरीके से जिंदगी जी सकते हैं. So the other aspect of this process is documentation, bringing out these stories, because usually what we hear is that, well, these are the problems, but there is no alternative to it. So trying to show that, no, there are hundreds and millions of communities who are doing things differently, and there are ways that we can do things and can narrate our own visions of what is well-being, what is a good life, and how we want to lead our life. So this website that you see on your screen has a few thousand stories around these alternatives, around these people's processes across the country. So ये जो website आप अपनी screen पे देख रहे हैं, इसमें ऐसी कई कहानियाँ हैं जो देश भर से लोगों ने contribute की हैं, जो आप इस website में जाके देख सकते हैं. विकल्प वार्ता की शुरुआत हमने अभी कुछ महीनों में की कोरोना के बाद और हमें इस प्रक्रिया में जैसे ही कोरोना हुआ उसके बाद कई सवाल उठने लगे और लोग देखने लगे कि कई चीज़ों में मुश्किलें हैं, कई चीज़ों के हमारे पास आंसर्स नहीं हैं और बहुत सारे आंसर्स लोग खोज रहे थे. और ऐसी कई कहानियां विकल्प संगम की वेबसाइट में तो हैं और
हमने कई 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 विकल्प संगमों में लोग आए हैं जिन्होंने इन कहानियों को शेयर किया है, तो उस सोच से विकल्प वार्ता की शुरुआत हुई। हाँ जी सृष्टि, सॉरी, आई थिंक 2-3 पीपल आर सेइंग वॉइस, मुझे तो ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा जोर से बोल लो। अच्छा ठीक है। तो विकल्प वार्ता की शुरुआत इसी, इज दिस बेटर? ओके, पर आपको तो सही से सुनाई दे रहा है। आई होप अभी मैं काफी तेज बोल रही हूँ, तो या गो ऑन। तो इस डायलॉग की शुरुआत इसी सोच से हुई कि कैसे कई जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके बारे में हम एक जान सके, सीख सके, उन लोगों तक पहुंचा सके और उन पे ज्यादा डायलॉग कर सके, क्योंकि इस कोरोना के बाद कई चीजों पे सवाल उठने लगे। सो द डायलॉग, द विकल्प वार्ता, द डायलॉग ऑन ऑल्टरनेटिव्स बिगैन पोस्ट पैंडेमिक, व्हिच वाज बेसिकली नॉट पोस्ट पैंडेमिक बट रियली आफ्टर व्हेन द होल थिंग हैपेंड एंड पीपल वर लुकिंग फॉर आंसर्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक one cannot actually ignore or turn blind eye to on because they're just on your face. And so this whole idea began that there are so many stories that we have documented all this while, why don't we share it out and let these communities and people who've been doing these processes share it with people and tell how this happened and how they're looking and how in these times they were able to be resilient in these times and because of their existing processes. तो इस डायलॉग्स में हमारे हमने कई फ्रॉम गुड़गांव के फार्मर मार्केट से सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी और किस तरीके से कच्छ में जो वनकट के लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, लोकल पंचायतों में कैसे काम हो रहा है, कैसे नई तरीके से बार्टर सिस्टम रिवाइव हो रहा है। सो वी हैव हैड कॉन्वर्सेशंस अराउंड सिटी लेवल फार्मर मार्केट्स, हाउ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमीज आर बीइंग रीजनरेटेड और दैट वर्क हैज कम अबाउट एंड हाउ लोकल पंचायत्स आर ब्रिंगिंग इन न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इनोवेशंस एंड रिवाइविंग न्यू बार्टर सिस्टम्स एंड हाउ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड लाइवलीहुड्स आर कमिंग अप और एक्सपेरिमेंटेड अपॉन। सो वी हैव हैड कॉन्वर्सेशंस अराउंड अ लॉट ऑफ lot of these things जिसमें लोगों के imagination, लोगों की परिकल्पना के हिसाब से एक शहर कैसे होना चाहिए, एक स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें निकल कर आई हैं। So a lot of these conversations have happened and we have now reached to our 16th dialogue and I would like to invite Sheba, who will be facilitating and moderating this dialogue today and also will be introducing the speakers for today and the collective. And before I invite her, I would like to just briefly introduce her and also myself because I think I did not. So I'm Srishti and I work with an organization called Kalpavriksh in Pune. And I also help in facilitating and coordinating, help in coordinating the process, Vikalp Sangam process. And now to introduce Sheba. Sheba is a friend, but she is also many, many other things. She's a researcher and a facilitator who is interested in exploring intersections of policy, culture, and ecology. She has worked with Kalpavriksh, Dakshin Foundation, Etri, Mati, Himal, Prakriti. And her work experiences ranges from documenting aspects of foreign governance, alternatives, and also facilitating lots of interesting work in Munsiyari and Andamans. She has co-authored two Kalpavriksh publications on various dimensions of food, Don Thang and Something to Chew On. So, मैं इस वार्ता पे जाने से पहले briefly संक्षिप्त रूप में अपने आप को और आज के मॉडरेटर को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो फिर इसे इस पूरी वार्ता को और आज के स्पीकर्स का ब्रीफली संक्षिप्त रूप में इंट्रोडक्शन देंगी। तो मेरा नाम सृष्टि है, मैं कल्पवृक्ष के साथ काम करती हूँ और विकल्प संगम प्रक्रिया के संचालन में मदद करती हूँ। और शीबा एक रिसर्चर हैं और जो योजनाओं सामाजिक और पर्यावरण के को कैसे क्या तालमेल होते हैं उन पे खोज और उनको समझने की कोशिश करती हैं। वो कल्पवृक्ष, दक्षिण फाउंडेशन, एकत्री, माटी और हिमल प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जंगल संरक्षण और जंगल गवर्नेंस पे काम किया है
मुनस्यारी और एंडमैन्स में भी कई लोकल प्रक्रियाओं में मदद की है, और उन्होंने खाद्य सुरक्षा और खाद्य के कई अलग अलग पहलुओं पे किताब भी लिखी है। दोनथांग समथिंग टू च्यू ऑन इसका नाम है। समथिंग टू च्यू ऑन को मैं हिंदी में ज़रा ट्रांसलेट नहीं कर सकती, पर एनीवे थैंक्स शिबा फॉर फैसिलिटेटिंग टू डेज डायलॉग, एंड नाउ इट्स ओवर टू यू टू इंट्रोड्यूस द स्पीकर्स एंड टू डेज डायलॉग। थैंक यू। थैंक यू सृष्टि। माटी से मेरा परिचय पहली बार 7 साल पहले हुआ, 2013 में, जब अभी विकल्प संगम की सोच चल रही थी और संगठन के ऊपर कहानी लिखने के लिए मैं और एक साथी सरमौली पहुंचे। कहानी तो लिखी गई, लेकिन साथ में ही वहां जाकर बातचीत करके ऐसा लगा कि उस पर एक गहरी समझ बनाना और एक रिश्ता बनाना जरूरी है। तो इसीलिए अगले साल बोरिया बिस्तर उठाकर मैं वहां पहुंच गई, और उसके बाद लगभग हर साल मैंने कुछ समय वहां गुजारा है। मेरे हिसाब से वैकल्पिक समाज की स्थापना करने में जिसकी भी दिलचस्पी हो, उसके लिए माटी की कहानी को समझना काफी जरूरी है। माटी का परिचय कुछ शब्दों में या कुछ पंक्तियों में नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कोशिश नहीं करूंगी। मेरा सोच है कि अभी जब हम बातचीत करेंगे उसमें माटी का परिचय हो जाएगा। उससे पहले शायद जो माटी के साथी यहाँ पर हैं वो अगर अपना एक एक दो दो लाइन में खुद से परिचय दे दें वो भी अच्छा रहेगा। और इसको एक बार इंग्लिश में बोलने के लिए, आई केम टू माटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013 एंड इट फेल्ट लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ केस स्टडी फॉर ऑल्टरनेटिव्स, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम एट अ डीपर लेवल एंड बी पार्ट ऑफ सच प्रोसेसेस। So I have been connected with them at a more personal level also since then. I feel that anyone who's interested in alternatives needs to have an interaction with and an understanding of the processes going on there. I think that it would be best if the members of the collective give their own introductions in a few lines before we start the conversation. We can start with Malika. मेरा नाम मलिका है और मैं मुनस्यारी में करीब 30 साल पहले जाके बस गई। आज के दिन मैं एक किसान हूँ और मैं अपने वन पंचायत की सरपंच भी हूँ। ये मेरा दूसरा टर्म है और माटी के एक संस्थापक सदस्य हूँ। रेखा जी। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम रेखा है और मैं सरमौली गांव में रहती हूँ, और मैं 2004 से होम स्टे करती हूँ हिमालयन आर्क के साथ, और मैं माटी संगठन की सदस्य हूँ पिछले 20 सालों से, और मैं अभी अपने वन पंचायत की पंच हूँ। रेखा जी, आप अपने आपका वीडियो ऑफ है, अगर ऑन कर सकते हैं। सबको नमस्ते। मेरा नाम बसंती है, मैं सरमौली में रहती हूँ। मैं माटी की संस्थापक सदस्य से में से एक हूँ, और मैं एक किसान हूँ, और अभी हाल में 2-3 साल पहले मैं सरपंच के लिए चुनी गई हूँ अपने गाँव। नमस्ते, मेरा नाम बीना है, मैं मार्क होम स्टे भी करती हूँ, और अभी मैं भी अपने वन पंचायत की पंच हूँ। नमस्ते, मेरा नाम कंचन है, मैं माटी संगठन की सदस्य हूँ और 2006 से माटी संगठन के साथ काम कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम कंबा है, मैं भी माटी संगठन की सदस्य हूँ और 2004 से हिमालयन आर्क से होम स्टे करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है, मैं भी माटी संगठन की सदस्य। हाँ जी,
बातचीत की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो सवाल आता है कि माटी की शुरुआत कैसे हुई, इस संगठन का हिंसा मुक्त जीवन के साथ क्या संबंध था। रेखा दी, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, पहले बसंती जी परिचय करें। बसंती जी थोड़ा सा माटी के बारे में परिचय देंगी। माटी पिछले 1994 से काम कर रही है और उसमें सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि हिंसा मुक्त जीवन, जो रेखा उस पर बात करेगी। जी, तो जैसे हम लोगों का मूल सिद्धांत है कि हिंसा मुक्त जीवन, क्योंकि जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर और क्या कर सकते हैं बाकी का। तो इसी वजह से हमने जब काम किया था 1994 से, हमने कई तरह के अभियान चलाए थे, जिसमें से एक मुख्य अभियान हमारा था कि शराबबंदी अभियान। तो हमने जैसे पिछले 2011 में एक शराबबंदी अभियान चलाया था, उसमें भी वजह था कि यहाँ पर दारू से आज तक कितनी महिलाओं की जान चली गई है और हर बार समाज और सरकार की तरफ से चुप ही होता है। समाज के हम कुछ लोग हैं जो इस पर आवाज उठाते हैं, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। तो हमने 2011 में एक आंदोलन किया था जिसमें यहाँ के महिलाएं, गांव की महिलाएं और नौजवान युवक भी शामिल थे। तो जैसे जैसे ये बड़ा सा हमारा 15-16 लोगों का एक दल अभियान, इस अभियान में जुड़े और हम आगे बढ़ते गए। और जब शराब भट्टी के सामने पहुंचे तो वहां पर थोड़ा सा उस समय इतना आक्रोश था कि किसी की जान चली गई थी, तो उस वजह से थोड़ा वहां पर ताला तोड़ना खोलना ये सब हुआ था। लेकिन उसमें क्या किया था कि भवन मालकिन जो थी उसने उल्टा महिलाओं पर केस किया था। तो हमने इस केस को लड़ने के लिए हम 6 साल 2-3 महीने तक इस केस को हम लड़ते रहे। और फिर जब हमने कई बार कहा कि ये फर्जी केस है, इसको वापस किया जाए, हम प्रशासन के पास भी गए, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, तो वो लोग हमेशा उस बात को टालते रहे। तो फिर हमने जब चुनाव आने वाले थे तो हमने उस समय चुनाव का इस मौके का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने करीब 3,350 हस्ताक्षर हमने एक हफ्ते में करवाया अपने इलाके से। तो अलग अलग गांव में जाके हस्ताक्षर कराना, फिर उसके बाद हमने उसको अपने मुख्यमंत्री हरि सिंह राव जी को दिया था। तो उस हिसाब से चुनाव की वजह से हमारा केस लास्ट में उनको खारिज करना पड़ा। पर यही है कि हम हर किसी को जैसे नहीं कहते हैं कि भाई तुम शराब बिल्कुल ही मत पियो या शराब इतनी बुरी चीज है, लेकिन हम कहते हैं जिस तरह से सरकार कुछ एक्सीडेंट होने पर, जैसे ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें ड्राइवर को चिन्हित किया जाता है, उसको सजा होती है या जो भी उसके साथ होता है, लेकिन जब दारू पी के घर में जान चली जा रही है, मारपीट हो रही है, तो उस पर सरकार एकदम चुप है। अगर सरकार को उस जगह से फायदा हो रहा है, कहती है सरकार की हमको रेवेन्यू मिल रहा है, तो जो मारपीट हिंसा जहां पर होती है तो वहां पे सरकार क्यों चुप है? तो हमारा एक ही यही लक्ष्य है कि लोग खाए पिए उससे हमको परेशानी नहीं है, लेकिन जो खाने पीने के बाद इस तरह के अपराध हो रहे हैं, हिंसा मारपीट इस तरह की हो रही है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज ना हो। हिंसा की बात के बाद आपका आजीविका के मुद्दों के साथ कैसे काम हुआ, कैसे रिश्ता बना? आजीविका का मेन उद्देश्य था कि जैसे हम लोग कुछ भी मुद्दा था हम लोगों का, जैसे हम महिलाओं को कहीं जाना होता था घर से, तो हम लोग बहुत कम महिलाएं घर से निकल पाते थे। तो लगा हमें कि अरे हम लोग महिलाओं के घर से निकलने के लिए कुछ सोचते हैं, तो इसमें आजीविका सुरक्षा हम लोगों ने जोड़ा। तो जैसे यहाँ पुराने लोकल महिलाओं के जो आजीविका का जो लोकल कला था, तो उन्हीं सामग्री जो महिलाएं बनाते थे, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मार्केटिंग का हम शुरू करते हैं। फिर हम लोगों ने मार्केटिंग शुरू किया, जैसे महिलाएं
घर में अपना सामग्री बनाते हैं, सामान बनाते हैं। हम लोग संगठन से मार्केटिंग का बेचने का शुरू किया, तो उसमें फिर अभी आज के दिन उसमें 12-13 गांव है और 60-65 महिलाएं हम लोग उसमें जुड़े हैं। जो जिस जैसे हम लोग जो सामान बनाते हैं तो वो मार्केटिंग संगठन द्वारा हम लोग करते हैं, तो हमारा आजीविका उसमें से बनी रहती है। तो हम लोग अपने घर से निकलते हैं, निकलने का भी एक वो बन जाता है कि थोड़ा बहुत हम महिलाओं के हाथ में कमाई है तो घर से निकलने में भी आसानी है। और घर में जैसे निकलते हैं तो ये भी ना लगे कि अरे किसी का और का दबाव ना हो, कि ये भी है हम खुद कमा रहे हैं तो अपने घर में अपना एक समानता भी बनी रहती है, इसलिए हम लोगों ने ये आजीविका का सोचा। तो जो आजकल कोरोना से संबंधित पाबंदियां चल रही हैं और उसकी वजह से लोगों का आना जाना भी कम हुआ है, तो उससे आजीविका के मुद्दों पर कुछ प्रभाव पड़ा है और उसका उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? बसंती दी और रेखा दी क्या? जैसे कि कोरोना से तो यहाँ मतलब अभी इतना प्रभाव तो नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ के लोग तो पहले से ही खेती करते हैं और हमारा मूल उद्देश्य खेतों खेत में जो हमारे पुश्तैनी बीज थे जैसे गेहूं, जौ, मड़ुआ है और अपनी सब्जियां हैं जो यहाँ के लोकल सब्जियां, उसको हम काफी मतलब उसको बचा के रखते हैं और वही हम लोगों को बताते हैं कि अपनी यहाँ की लोकल बीजों को बढ़ावा दो, जो ज्यादातर हम बैंक बना के रखते हैं और गांव खेतों में चाहे रोग लगी है वो उसकी पैदावार बहुत कम है, और जो हमारे यहाँ के लोकल बीज थे नहीं लगी जो सालों से बीज आया है यहाँ, तो इसी आगे रखो और उसी को हम आगे बीज तो बना नहीं पाएंगे हम हाइब्रिड वाले, हमारे कभी अगर बीज नहीं देंगे हमको नहीं आएगी मार्केट में बीज तो हमारी खेती तो बंद हो जाएगी, इसीलिए हम अभी अपने बीजों को ही बढ़ा। इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी जैसे इस कोरोना के समय में और आजीविका तो जैसे हम पर्यटन का काम हम करते थे तो वो हमारा बंद हो गया पर्यटन का, तो हमको लगा कि क्यों ना हम इस बीच हम अपनी खेती को और मजबूत कर ले, और उसमें जो इसके अलग अलग महिलाएं हैं जो हमारे, हम एक बार सामूहिक क्यों ना हम काम करें, तो इसके लिए हम लोगों ने महिलाओं का ग्रुप बनाया जिसमें आज के दिन हमारे पास हम साथ में 57 महिलाएं हैं जो हमारा एक महिला कृषि ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उनके लिए हम सामूहिक चीज से हम बीज उपलब्ध कराना हो या पौध उपलब्ध कराना हो हम उसको अपने लोकल सोर्स से उनको ये पौध दिला रहे हैं, और जैसे फिर इसी के साथ साथ सुख दुख में भी सुख दुख की भी हम उनसे बात करते हैं, जैसे आज के दिन हम अगर पौध उपलब्ध करा रहे हैं तो कल के दिन अगर कहीं पर कुछ ऐसे चीजें होती है जिसमें हम सबको एक साथ चलने की जरूरत होती है तो उसके लिए भी हम उसको तैयार कर रहे हैं। और जहाँ तक है संगठन के सामानों का बात, जैसे हमारा पिछले साल हमने 3-3.5 क्विंटल राजमा खरीदा था, तो पर्यटक सीजन में तो हमारा वो भी कम पड़ जाता था और समय, लेकिन अब हमारा अभी राजमा थोड़ा सा हमारा रह गया है तो इसके लिए भी हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो संस्थाएं आज के दिन इसमें काम कर रहे हैं तो उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, हमारा राजमा है, थोया, जम्बू, ये सब इन सब के लिए। हाँ जी शिवा, ये सब जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए एक कैसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं काम करने का ढांचा है वो कैसा है, और साथ ही इसमें स्वशासन
और आत्मनिर्भरता की बात कैसे आती है? मलिका, मैं चाहूंगी आप अगर इस सवाल का जवाब दे सकें। आप म्यूट पर हैं शायद। हाँ, जैसे सभी साथियों ने कहा, एक तरह से जो हमारा एक जगह से रिश्ता है उसी के इर्द गिर्द हमारी एक भूमिका, एक समझदारी बनी है। और अगर आप ऐसे देखें कि हम एक कार्यकर्ता करके कुछ काम करें अपनी जिंदगी के लिए, ऐसे नहीं हमने सोचा। हमें तो लगा कि एक तरह से एक्टिविस्ट नहीं, एक्टिव सिटीजनशिप, यानी कि एक गांव के रहने वाले के रूप में, या आप ये कहिए कि एक सक्रिय ग्रामीण वासी के रूप में हम लोग अपना काम करें। क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर आप चिन्हित नहीं किए जाते हैं अलग से, कोई अलग इंसान हो, आप समाज के हिस्से हैं। उसी में हम कैसे अपने आप को सक्रिय रूप से अपने आप को ढालें, तो शुरुआत हमने जरूर महिलाओं के साथ की। यानी कि महिला आंदोलन में आप देखिए तो एक नारा था जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि आपकी व्यक्तिगत जीवन ही आपका एक काम का शुरुआत, आप खुद को बदलें तभी एक तरह से समाज बदलेगा। पर हम लोगों को लगा ठीक है, शुरुआत महिलाओं से करते हैं, हिंसा से करते हैं, पर ये नहीं कि आप हमेशा एक विक्टिम बने रहें। हमेशा आपको सहयोग, कभी संकट आता है तो संकटग्रस्त स्थिति में आपको सहयोग चाहिए, पर उससे उभर कर हम जब शक्तिशाली बन जाएं तो फिर हमारी एक सक्रिय भूमिका हो ताकि हम समाज को बदल पाएं। तो देखने को तो हम महिला संगठन और महिलाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, पर उसमें हमारा ये भी है कि हम लोग क्रॉस कटिंग इश्यूज पर काम करते हैं, जहां पर हम हर तरह के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं ताकि एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एक समझदारी बने कि आप एक इलाके के रहने वाले हैं, उस इलाके में रहने वाले के तहत आपकी खुद की एक जिम्मेवारी बनती है। तो इसमें हमें लगता है कि नागरिक होने के साथ साथ, सक्रिय होने के साथ साथ, आपको सत्ता में भी आने की जरूरत है। यानी कि हमारे जो यहाँ के ग्राम पंचायतें हैं, वन पंचायतें हैं, उसमें हमारी सक्रिय भूमिका हो, यानी कि स्वशासन में हम महिलाएं आगे आए ताकि हम लोग अपनी आवाज को उठा पाए। तो एक तरह से दोनों चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक, हम सामाजिक रूप से सक्रिय हो, हम नेतृत्व में आए। दूसरा कि हम आत्मनिर्भर हों, जैसे कि बसंती, रेखा, बीना ने कहा, आत्मनिर्भर होने के लिए आजीविका सुरक्षा जरूरी है। तो माटी का काम करने का तरीका, दोनों स्वशासन, स्वावलंबन, ये दोनों मुद्दे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अभी इतना ही। साथ ही मैंने पूछा था कि ये काम करने के लिए आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, वो कैसा होगा? तो क्योंकि समाज में भी हम लोग अलग अलग तरह के समुदायों के साथ काम करते हैं, अगर आधी आबादी महिलाएं हैं तो उसमें हम लोग ऐसे होंगी जो गृहिणियां होंगी, जो खेत मजदूर होंगे, जो लेबरी करते होंगे, जो बुनकर होंगे, जो ऐसे लोग होंगे जो क्या बोलते हैं, जंगलों पर निर्भर हैं। तो बहुत विविधता की एक एहसास होता है। उसी तरीके से हमारे संगठन में वो विविधता हमने बनाए रखी है। कोर ग्रुप जो है हमारा वो छोटा है, हम 8 एक तरह से सदस्य हैं, पर हर एक इंसान 100 लोगों तक पहुंचता है। तो आप मानिए कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में हम काम करते हैं कि कभी कोई ऐसा मुद्दा उठता है जो लोगों की जिंदगियों को छूता है, जहां पर रोजमर्रा जिंदगी के मुद्दे हैं, तो अगर मान लीजिए हम कोई अभियान उठाते हैं या लोगों को जोड़ते हैं तो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। तो ढांचा हमारा एक तरह से फ्लैट है, 8 कोर ग्रुप मेंबर्स हैं। हम मानते हैं कि सीढ़ीवादी सत्ता का नेतृत्व नहीं होना चाहिए। जैसे लोकतंत्र में समय समय पर लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे हम लोग भी अपने संगठन पर जिस मुद्दे में हम मजबूत हैं उसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। नेतृत्व को हम एक तरह से समुद्र की लहरों की तरह देखते हैं। समय जब आपको चुनौती देता है तो आप उभर के एक लहर की तरह उठते हैं, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कब आप वापस समा जाएं और दूसरा लहर उठे, चाहे वो पीढ़ी का हो, चाहे वो किसी एक समुदाय का हो। यानी कि हम झंडा लेकर आगे चलने वाले लोगों में नहीं है। हम मानते हैं कि जिसका मुद्दा है वो सशक्त हो,
वो आगे आए, वो नेतृत्व करे। तो एक तरह से हमारी नेतृत्व की परिभाषा भी इस तरह से है। साथ में हम लोग ये भी मानते हैं कि नाम ही हमारा, जैसे बाद में हम बात करेंगे नाम हमने अपना क्यों दिया, तो जैसे पानी मिट्टी में मिलकर एक तरह से सब जगह फैलता है, हमें लगता है कि हम उस तरह से हैं, जहां जब कोई ऐसा चुनौती आए हमारे बीच वो एक समझ संवाद बना रहे, चुनौती आने पर हम लोग उठकर उसको उसका सामना कर पाए। तो ढांचा देखने में बहुत छोटा लगता है पर हमारी पहुंच समाज के हर कोने तक है और वो हम रिश्ता बनाए रखते हैं। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मुद्दा कोई उठता है इलाके में या कोई हम काम करते हैं तो जनप्रतिनिधियों के साथ हम मिलकर एक्टिवली काम करते हैं। हमारे इलाके में वन पंचायतें हैं, उनके एक पूरा ढांचा है, हमारे महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं, हमारे पंचायती राज के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत लोग हैं, हमारा MLA है, हमारा सांसद है, हम हर स्तर पर एक रिश्ता बना के उनसे एक संवाद और उनको हम धकेलते हैं कि अगर आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो आप हमारी बात सही जगह तक पहुंचाएं। यदि वो नहीं पहुंचाते हैं तो फिर जन सैलाब, एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एक ताकत है उसमें हम विश्वास करते हैं। जो आपने लोगों को जोड़ने की बात की उसको आगे ले जाते हुए अगर हम शिक्षा की बात करें तो मुंशियारी में सरमोली में एक जंगली स्कूल है, तो उसकी कहानी कंचन आप बता सकते हैं? हाँ जी, जंगली स्कूल की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन जंगली स्कूल खोलने का मेन मकसद था कि यहाँ के बच्चे स्कूली पढ़ाई ही नहीं, स्कूली पढ़ाई के साथ साथ अपने नेचर के बारे में समझ सके, अपने आसपास के चीजों को समझ सके, उसके साथ वो भी पढ़ सके, साथ में पढ़ाई और नेचर का मतलब अपने लोकल का तालमेल वो लोग बिठा सके, इसलिए जंगली स्कूल का शुरुआत किया गया था। जंगली स्कूल के बच्चे सिर्फ अपने पढ़ाई तक ही सीमित ना रहे, अपने गांव का हिफाजत करें, श्रमदान में भाग ले, अपने गांव को एक समृद्ध बनाए। और दूसरा उद्देश्य था कि वन्य जीवों का, जो हम लोग हमारे यहाँ वन्य जीव पाए जाते हैं उनको अधिकतर लोग मार के शिकार करते थे उन लोगों का, तो उनमें अपने जानवरों का पहचान, जैसे पक्षी है, बर्ड है, इनका पहचान के साथ साथ वो लोग संरक्षण भी करें और जानवरों को या पक्षी को नुकसान ना पहुंचाए था। तीसरा उद्देश्य था कि अपने जीवन में हम कहीं भी जाए, बच्चे जैसे पढ़ लिख के कहीं भी बाहर जाए वो आजाद है और खुशी खुशी जाए, अपने गांव से जाते समय निराश ना हो कि हम अपने गांव को छोड़ के जा रहे, खुशी खुशी जाए, लेकिन शहर में जाने के, अलग जगह में जाने के साथ साथ वो अपने गांव को ना भूले, अपने गांव के बारे में सोचना ना छोड़े। तो जब वो अपने गांव में आए तो अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को कहानी, जो अपने उनके उनके कहानी होंगे उन्हें उनके अनुभव के साथ वो कहानी शेयर करें। और साथ में महिलाओं का सतत शिक्षा, जैसे हम लोगों ने तो कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं था, लेकिन आज के समय में हम लोग कंप्यूटर देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे जैसे वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं और वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप पे काम करते हैं, तो समय के साथ साथ हम लोग भी बदल रहे हैं उन सब चीजों में। आगे दीदी जोड़ देगी। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसे कंचन ने कहा कि ये सतत शिक्षा का जो एक सिलसिला है उसको बनाए रखने के लिए, अगर हम आजीविका की बात कर रहे हैं तो आज के दिन खासकर कोरोना के टाइम्स में हमें ये एहसास हुआ कि जो दुनिया हमारे यहाँ आया करती थी अब वो आना बंद कर दी है, अब किसी तरीके से हमें उस दुनिया तक पहुंचना है, तो उसके लिए अगर हम डिजिटल लिटरेसी यानी कि ये पूरा जो इंटरनेट की दुनिया है इसमें हम अपनी क्षमताएं ना बढ़ाएं तो फिर एक तरह से हम मुख्य धारा से छूट ही जाते हैं, जो कि हमेशा होता रहा है कि हम लोग हाशिए पर ही जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ जैसे उदाहरण के लिए रेखा ने कहा था कि हम लोग पर्यटन का काम करते हैं, कई लोगों ने अपने परिचय में कहा कि हम लोग होम स्टे करते हैं, उसका थोड़ा संदर्भ बताते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आज कोविड के समय में हम कैसे उससे जूझ रहे हैं। शुरुआत हमने तो इससे की थी कि जब हमारे वन पंचायत में यानी कि जो हमारे संचायती वन है उसके संभाल के लिए लोग थोड़ा सा निराश तो नहीं पर
आजीविका के कश्मकश में वो इतने उलझ गए थे कि उनको लगता था कि जंगल बचाने के लिए कौन जाएगा, क्योंकि या तो आप लेबरी कर रहे हैं, घर को पाल रहे हैं, वो इनकम उगाने का जो प्रेशर था उससे कैसे वो उठकर समय निकालकर जंगल की तरफ आए। तो उस समय हमें लगा था कि जंगलों के संरक्षण के साथ आजीविका को जोड़ना एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें पर्यटक आकर हमारे ही घरों में रहते थे और वो हमारे जीवन शैली से रूबरू होते थे। ये भी समझ आता था कि हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना छोटा है, हम अपने प्रकृति के साथ किस तरह से तालमेल बैलेंस बना के रहते हैं। फिर कोविड आया, मतलब हमारा बिजनेस ठीक ही चल रहा था। कोविड आने के बाद हमें लगा कि अचानक जो हमारे एक आमदनी का स्रोत था वो एकदम से बंद हो गया। फिर हमें लगा कि चलिए ये एक अच्छा समय है अपनी खेती पाती और हमारी मूल ताकत को बनाए रखते हुए हम कैसे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। और जैसे कंचन कह रही थी, वो सतत शिक्षा का जो एक प्रयास रहा है वो ये रहा है कि अब जो हम गाइड बन के लोगों को कहानियां बताया करते थे जब वो हमारे बीच रहा करते थे, अब वही कहानियों को हम लोग एक सिलसिलेवार डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं हम दुनिया तक ले जाएं। तो हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, विकल्प संगम के समान ही है, पर ये ज्यादातर उन लोगों का है जो ग्रामीण इलाके में पर्यटन से अपना कमाई किया करते थे, जहां हर गाइड, हर होमस्टे वाली अपनी कहानी, अपने धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने अनुभवों की कहानी बताती है और उससे एक रेवेन्यू स्ट्रीम यानी हर कहानीकार पैसा कमाती है। हुआ ये करता था कि मध्यम वर्ग के लोग, जैसे शिवा ने शुरू में कहा, हमारे इलाके में आए हमारी कहानी बताने के लिए, वो स्किल्स, वो एक नजर कई बार जो हम शहरों में रहते हैं हमारे हाथ में होते हैं, अब वो स्किल्स, वो बताने की विधि क्यों नहीं हमारे खुद के हाथ में आए। तो अभी वो सिलसिला चल रहा है, बल्कि मैं आप सबको इनवाइट करूंगी कि वॉइसेस ऑफ रूरल इंडिया करके जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां जरूर जाइएगा। उसमें आपको कमला की कहानी मिलेगी हमारे एक त्योहार के बारे में, आपको बीना की कहानी मिलेगी जिसमें उसने यहाँ के ऊन के कारोबार के बारे में बताया है, एक और साथी त्रिलोक की कहानी मिलेगी जिसने हमारे यहाँ की लिखाई, जो अभी एक तरह से लकड़ी पर नकाशी का काम जो नहीं हुआ करता था इस दौर में, हमने उसको कैसे सीखा, और रेखा की कहानी मिलेगी जहां पर उसने जौ को क्यों हम ज्येष्ठ अनाज, सबसे ज्येष्ठ अनाज यानी सबसे किंग ऑफ ग्रेन्स एक तरह से नाम दिया हुआ है, क्यों वो इतना महत्वपूर्ण है, जो एक पुराना अनाज है और उससे जुड़ी हुई कहानियां। तो एक तरह से कहानियां बताने का सिलसिला तो हमेशा हमारे इलाके में रहा ही है, पर उसको हम कैसे नए तरीकों को डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए दुनिया तक ले जाएं, ताकि जब पर्यटन खुले तो वो रिश्ता फिर से बरकरार हो जाए। तो ये सब करने के लिए आपका दूसरे संगठनों और संस्थाओं के साथ कैसे तालमेल रहा है? जी, इसमें हमें लगता है कि हमारी मूल ताकत तो हमारा, हम लोकल हैं, हम उस इलाके से हैं, उस इलाके का नब्ज, उसकी समस्याएं, कहाँ हम संघर्ष कर सकते हैं, कहाँ हम जश्न मना सकते हैं, उससे तो हम परिचित हैं ही, और लोग भी हमें पहचानते हैं, हम इलाके को पहचानते हैं, ताकत हमारी लोकल है। पर स्पष्ट रूप से हम तो सामान्य लोग हैं, गांव है, जैसे हमें लगता है कि हमारे यहाँ एक छोटा ट्रस्ट है जिसका नाम हिमल प्रकृति है, तो पर्यावरण के मुद्दों पर जब शोध करना हो या किसी चीज पर अपनी समझदारी को गहराना हो, प्रकृति के बारे में समझ बढ़ानी हो, तो हम हिमल प्रकृति का सहयोग लेते हैं। उसी तरीके से जो हमारे होम स्टे और पर्यटन का काम है, वो संगठन की हम महिलाएं उससे जुड़ी तो है, पर वो एक अलग बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका नाम हिमालयन आर्क है, तो वो एक बिजनेस, ग्रामीण बिजनेस के रूप में कार्य करते हैं। और जैसे हमने कहा, घाटी में हमारी पहचान अच्छी है, जैसे हमारा मुनस्यारी सरमोली गांव, मुनस्यारी इलाका गोरी घाटी में स्थित है, जो कि कुमाऊं का एक छोटा कोना है, पर हमारे मुद्दे कुमाऊं के अन्य मुद्दों से भिन्न तो है नहीं। तो हम लोग उत्तराखंड महिला मंच के साथ मिलकर राज्य स्तर पर अपना एक गठबंधन बना के, एक अलायंस बना, ताकि हमारी लोकल आवाज और लोकल ताकत एक राज्य स्तरीय ताकत के रूप में उभर कर आए। और उसी तरीके से जो स्वायत्त महिला संगठन है पूरे देश भर में, उनके साथ भी हमारा एक
तालमेल है, एक अलायंस है, मुद्दे जब उठते हैं तो उनमें भी हम शामिल होते हैं। अभी हाल में ही एक अभियान चला था, अगर आप उठे नहीं तो, ये समय ऐसा, दौर ऐसा गुजर रहा है, भले ही हम अपने घरों में संघर्षरत हैं, हम अपने मुद्दों से रूबरू हैं और उसमें सक्रिय हैं, पर अगर हम एक व्यापक स्तर पर अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे और ताकतों के साथ अपनी आवाज नहीं जोड़ेंगे, तो एक तरह से हम, जैसे हम मजाक में कहते हैं, कुएं के मेंढक बन जाएंगे या बहुत बिखरे रह जाएंगे। तो ये गठबंधन की जो प्रक्रिया है, लोकल टू ग्लोबल तो हमने सुना है, पर ये महिला संगठनों का एक जो ताकत है उसको हम बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। जी, तो जो आजकल की सरकारी नीतियां हैं और मुख्य विकास धारा है, उसको नजर में रखते हुए माटी जैसे संगठन की आपको क्या भूमिका लगती है? समझ कई बार लोग, बल्कि हमारी आदत सी है, जब लोग हमें पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो हम कहते हैं हम माटी में छोटे मोटे काम करते हैं। वो महिलाओं का एक आदत सी है कि हम अपने आप को कुछ बड़े रूप में प्रोजेक्ट करने का ना तो हम उसको इनकरेज करते हैं, ना तो आदत है। पर क्योंकि हम लोग, हमें पता है कि अगर हमारे इलाके में कोई ऐसा मुद्दा है जो हमारी जिंदगियों को छू रहा है, भले ही डायरेक्टली हमें नहीं पर हमारे इलाके में, तो हम लोग चुप नहीं रहते हैं। हमें तो लगता है सबसे पहला कदम है कि वो चुप्पी तोड़ना। मान लीजिए संकटग्रस्त हैं, तो उस समय मान लीजिए घर में मारपीट चल रही है, या आप जातीय हिंसा का आपको सामना करना पड़ रहा है, या सरकारी हिंसा का आपको सामना करना पड़ता है, तो उस समय तो आप उससे प्रभावित हैं, पर कल के दिन लड़ाई करते करते आप एक समझदारी तौर तरीके सीख ही लेते हैं, तो उस समय आप क्यों नहीं इकट्ठा होकर उसमें उसी ताकत का इस्तेमाल करें। और हुआ ही ऐसे, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे गोरी घाटी में हमारी जो मुख्य नदी है उसका नाम गोरी नदी है, और उसमें क्योंकि अभी विकास के नाम पर ये कहा जा रहा है कि भाई जल विद्युत परियोजनाएं बननी चाहिए, तो हमारे घाटी में करीब 10 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही थी, जिसमें से एक 261 मेगावाट का एक परियोजना थी जो हमारे गाँव के बिल्कुल आगे वाले गाँव में बनने वाली थी। उस समय हमने फिर उनसे, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे थे उनसे बातचीत की, और जन संघर्ष के रूप में, यानी कि सरकार हमें बताए हो क्या रहा है, शुरुआत तो सवाल से किया था, और जैसे होता है विकास के नाम पर, मुख्य धारा का विकास तो ये कहेगा, आपको बड़े आसानी से कह देते हैं देखिए विकास के साथ तो विनाश आएगा, आपको बिजली चाहिए तो कुछ तो विनाश होगा। और उसी दौर में हम लोगों ने फिर ये चर्चा शुरू की कि आखिरकार इस देश में विकास किसका किया जा रहा है, विनाश किसका किया जा रहा है, कीमत कौन अदा कर रहा है। और बार बार हम ये देख रहे हैं कि जो लोग प्रकृति के साथ जी रहे हैं, जिन जगहों पर जनता ने संसाधनों का संरक्षण किया है, उन्हीं को कीमत अदा करनी पड़ती है, उन्हीं को आप विस्थापित कर रहे हो, उन्हीं को आप ध्वस्त करके कह रहे हो आप विकास की कीमत चुकाइए। तो हम लोगों ने वो संघर्ष में जो लोग प्रभावित थे उनके साथ कदम से कदम मिलाया। हमें ये भी लगता है कि जन संघर्ष एक तरीका है, कोर्ट कचहरियों में भी हमें जाना पड़ेगा, सरकार हमारी है, हम उसको अपना मानते हैं और उससे भी हम जवाबदारी मांगेंगे। और जो हम तो अपने आप को बहुत छोटी ताकत मान रहे थे, और होता ही है, सामान्य इंसान सोचता है कि हमारी ताकत क्या है, पर जब वो एक प्रवाह बन गया, एक आवाज बन गई, और हमने हर तरीके से इसको जोड़ा, तो अंत में NTPC को अपना जो रुपसिया बकर खसियाबाड़ा का 261 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट था उसको बंद करना पड़ा, और लोगों को एहसास हुआ, हमें पता है कि बार बार हम जीतेंगे नहीं पर हम लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा विनाश किया जा रहा है। अगर आप हमारी जिंदगी का पूरा आधार ही हटा दोगे, हमारी नदियां बंद कर दोगे, हमारे जंगल हमसे छीन लोगे, तो हमें बोलना ही पड़ेगा। तो हमारा ये मानना है कि अगर विकास विनाश करेगी हमारे ही देश के लोगों का, तो हम उसका विरोध निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हमारा भी उतना ही अधिकार है। और हम मानते हैं कि विकास जन केंद्रित हो, जनता से पूछिए, हम तो तैयार हैं, हम तो जन प्रतिनिधि भी हैं, हम जनता से जवाब भी मांगेंगे। तो हमें तो लगता है कि विकास का जो मुख्य धारा है उसको ग्रामीण जनता के प्रति थोड़ा सुनने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। ऑफकोर्स नहीं सुनेंगे क्योंकि वो शायद किसी और की
कहना नहीं चाहिए पर एक तरह से दलाली चल रही है, ठेकेदार राज चल रहा है, तो हम उस दलाली और ठेकेदार राज को रूबरू चुनौती देंगे क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है। उसी तरह से जैसे पर्यटन से भी बात जुड़ी हुई है, मुझे लगता है अगर रेखा उसका थोड़ा उदाहरण दे, क्योंकि पर्यटन से हम कमा रहे हैं पर पर्यटन किस तरह का हो और किस तरह की नीतियां हो, रेखा अगर उस पर थोड़ा सा बोले तो बहुत अच्छा हो। हाँ जी, तो जैसे पर्यटन आज आज सरकार हर चीज पर अलग अलग नियम निकाल रही है, नई नई नीतियां बनाए जा रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे इस तरह के नीतियों से जहाँ हमको परेशानी है तो हमें बोलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर है पर्यटन झेलने की क्षमता, तो हर जगह का हमने उदाहरण देखे भी कह सकते हैं, जैसे दियारा बुग्याल का हाल हुआ, हमारा खलिया में जब इतने लोग चले थे तो उस जगह का अभी क्या हाल है वो हम दिखा सकते हैं। तो पर्यटन खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जितना मर्जी है आ सकते हैं जा सकते हैं, कल के दिन हमारे पानी का क्या होगा, जंगलों का क्या होगा और हमारी खेती पाती का क्या होगा, इसके बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा है। सरकार को दिख रहा है फायदा कि जितना हो सके आप पर्यटकों को बुलाए जाओ, उनको छूट दो, उनको छोटे छोटे पैकेज दो, आज के दिन कोरोना हो गया है तो हम इतने हजार का आपको छूट देते हैं और आओ आओ। तो हम चाहते हैं कि एक तो पर्यटन झेलने का ये कैरिंग कैपेसिटी का एक आंकलन होना चाहिए, और यही है कि पर्यटक आए और आमदनी हो, वो तो हम चाहते हैं, लेकिन इस तरह का आमदनी हो जहाँ पर एक पर्यटन को एक नियम से हो, लोग जन केंद्रित हो, पर्यावरण आधारित व न्यायपूर्वक पर्यटन का काम चले। हाँ जी, सभी का थैंक यू। अभी एक आखिरी सवाल पूछकर हम दूसरा लोगों के सवाल लेना शुरू करेंगे, इसलिए जिन लोगों के भी कुछ सवाल आ रहे हैं वो यहाँ चैट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए। आप ये जो डिस्कशन है, चर्चा है, काफी दिलचस्प रही है मेरे लिए तो, और इसमें मैं आखिरी में बस यही कि जो इसका नाम है, इस संगठन का नाम, वो माटी रखने के पीछे आप लोगों की क्या सोचती है? एक तरह से माटी इसलिए रखा क्योंकि हम मानते हैं कि हम मिट्टी के जैसे हैं, यानी कि जमीन से बिल्कुल जुड़े हुए लोग हैं। जब तक आवाज जमीन से नहीं उठेगी, लोकतंत्र की हम बात करते रहेंगे, तंत्र ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लोग कहीं गौण हो जाते हैं, और लोग तो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें लगा कि हमें हमेशा याद रहे कि हम बिल्कुल जमीनी तौर से जब उठेंगे, जब वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एक समझदारी, सक्रियता जमीन से एक सैलाब की तरह उठेगी, तभी हमारी लोग हमारा लोकतंत्र वाकई लोगों का तंत्र बनेगा और जनता का राज हो पाएगा। एक तो ये कारण था। दूसरा ये कबीर का दोहा है जो मुझे तो बड़ा मजा आता है क्योंकि उसमें आप लोगों को याद होगा वो कहावत कैसे वो जाता है पूछता तो मुझे याद नहीं, पर ये है, माटी कहे कुम्हार से क्यों रौंदे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। यानी कि एक तरह से एहसास, वो अंदर एक दबी हुई एक क्या कहें, एक न्याय के प्रति एक लालसा जो हम सब में है, कई बार वो डर के कारण, दबाव के कारण, शोषण के कारण कहीं हम अपनी आवाज को बंद कर देते हैं, हम बोलना, सोचना, एहसास करना एक डब्बे में डाल देते हैं। बल्कि अगर हम ये याद रखें कि माटी की ताकत बहुत मजबूत है, वहीं से हम उपजते हैं, वहीं हम समाते हैं, तो एक तो वो कारण था। दूसरा मुझे एक और कविता का एक मैं आपको थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी जिससे मुझे और हमारे साथियों को बहुत प्रेरणा मिली है, उसका मैं वो पढ़ देती हूँ। तुम धूल हो, पैरों से रौंदी हुई धूल, बेचैन हवा के साथ उठो, आंधी बन उनकी आंखों में पड़ जाओ। हम हैं धूल के जैसे, भूल जाते हैं कि हमारी ताकत कितनी है, जब आंधी उठती है तो हम किस तरह से दुनिया को बदल सकते हैं। वो एहसास को अपने मन में जगाए रखने के लिए हमने अपना नाम माटी रखा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ये जो कविता है ये तो बहुत ही प्यारी कविता है। ये जो कुछ लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं तो मैं इनको पढ़ लेती हूँ। तो पहला एक सवाल ऋषि पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जब आप हिंसा की बात करते हैं, शराब संबंधी हिंसा, तो इसमें क्या एक पुरुष की तरफ से भी एक इसमें नजरिया है क्या कि वो ऐसा क्यों करते हैं? कोई इसका जवाब देना चाहेगा क्या इस सवाल का? थोड़ा समझ नहीं आया पुरुष की तरफ से क्या नजरिया है, पर जो हम कह सकते हैं कि हम महिलाओं का नजरिया और पुरुषों का नजरिया इसको लेकर क्या है। मुझे लगता है कि आज के समाज में इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, किससे प्यार करते हैं, ये सारे मुद्दे अब कोई और ही तय करने लग गया है, और हमें लगता है ये गलत है। एक तरह से हम लोकतंत्र की बात करते हैं, पर्सनल चॉइस को हम एक अपना एक राइट मानते हैं, पर जब वो चॉइस ऐसा है या हम पीने का या खाने का कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे कि हिंसा भड़कती है, मैं तो ये नहीं कह रही हूँ हिंसा विशेषकर दारू की नजर से कह रही हूँ, तो उस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर कोई खाए पिए उसकी आजादी है, पर अगर वो हिंसक बन जाए वो आजादी उसे नहीं है। और ये सत्य तो पुरुष भी समझते हैं कि क्योंकि पुरुषों की ही बेटियां होती हैं, पुरुषों की ही बहनें होती हैं जिनको पीटा जाता है, मारा जाता है, तो इसमें हमें कभी ऐसा कोई विरोध या विरोधाभास का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि हम ये महिला और पुरुष की बात नहीं देखते हैं, हम तो इसको देखते हैं पितृ सत्ता किस तरीके से आपको छूट दे देती है कि आप हिंसक हो सकते हो। और दारू तो एक मात्र बहाना है, क्योंकि सभी पुरुष पीकर हिंसक नहीं है, हमारे कई समाजों में महिलाएं भी पीती हैं और हिंसक नहीं होती हैं। तो हमारा तो हिंसा जब एक टूल के रूप में और दारू उसको एक बहाना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसका हम विरोध करते हैं, और हम सरकार को इसमें जिम्मेवार इसके ठहराते हैं, क्योंकि सरकार जैसे बसंत रेखा ने कहा अगर सरकार उससे कमा रही है तो सरकार फिर जब नियम लागू करने का टाइम आता है तब महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही जो हिंसा है उसको नजरअंदाज ना करें, हम उनको जवाबदार बनाते हैं और उनको फिर उन्हीं के नियम हमारे देश के नियमों पर अमल करने के लिए उन पर बाध्य होते हैं। इसके बाद कमल का एक सवाल है कि पर्यटन से संबंधी कुछ रूल्स, कानून, फी, ये सब आप लोगों ने कैसे बनाए हैं और क्या 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 नियम है? अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकूं, हाँ रेखा, अगर रेखा और साथी लोग कुछ बोले इस पर प्लीज। हाँ जी, तो जैसे हमने होम स्टे जब शुरू किया था तो शुरू में हमने ये नियम हमारे लिए ही ना, शिवा जैसे आप पूछ रहे हैं कि होम स्टे के लोगों का अपना नियम नहीं, दोनों जो मतलब पर्यटन आने के लिए आपने नियम बनाया हो कि कौन कौन लोग आए कैसे और यहाँ पर कैसा व्यवहार करें उस तरह से। हाँ जी हाँ, तो हम लोगों ने जब 2004 में होम स्टे शुरू किया था तो शुरू में ही हम लोगों ने जैसे अपने होम स्टे के लिए नियम बनाए थे कि जो एकल महिला है तो उसके घर में हम पुरुष गेस्ट नहीं रखेंगे, और दूसरा था कि जो परिवार होम स्टे में जुड़ गया है तो वो शराब नहीं बेचेगा, क्योंकि यहाँ पर कानूनी तौर पर शराब बनाया जाता है लोकल का, तो हमने कहा था या तो आप पर्यटन कीजिए या आप शराब ही बेचिए। तो और वो और तीसरा था कि वन पंचायत में अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मिलजुल कर सबको करनी होगी, पहले तो नुकसान करने जाना नहीं है, अगर किसी के जानवर चले गया है या किसी ने नुकसान कर लिया तो उसकी भरपाई करनी जरूरी है। फिर ये मेहमानों के लिए जो नियम था कि हमारे घरों में आए तो वो एक परिवार की तरह रहें, हमारे घरों में दारू पीना, हल्ला गुल्ला इस तरह का नहीं होगा, और जो खाना पीना है वो ऑर्डर पर हम नहीं देंगे, जो हमारा लोकल खाना होगा हम वही खिलाएंगे, और बहुत सारे ऐसे नियम है, अभी थोड़ा भूलने को आ रहा है मुझे तो।
मैं उसमें जोड़ सकती हूँ थोड़ा सा रेखा, ये भी था कि मेहमान का व्यवहार ही उनका परिचय है, यानी कि मेहमान बनकर हमारे घर में आए ना कि ग्राहक बनकर। और हम पर्यटन जरूर करेंगे पर हम आपके सेवक नहीं है, हम घर की मालकिन हैं। आप हमारे अतिथि बनकर आए, आप हमारी जीवन शैली को समझिए। ये नहीं कि आप आ गए, और जैसे पर्यटन है ही ऐसा एक उद्योग जहाँ पर उसका वो बहुत ही कंज्यूम करता है हर चीज को, जो ऐसा उद्योग है जिसने अपना कुछ बनाया नहीं पर वो बनी हुई चीज को वो उसका उपभोग करता है, तो उस पर हम अंकुश इस तरह से बनाते हैं कि उनको ये संदेश क्लियरली जाए कि आप हमारे घर में आ रहे हैं, हम कोई डेस्टिनेशन सिर्फ नहीं है, ये हमारा घर है, हम इसके मालिक हैं, हम आपको अतिथि के रूप में हम इसमें आपको स्वीकार करते हैं, अपनी जीवन शैली के साथ आपको जोड़ेंगे। हाँ, उससे हम आजीविका जरूर कमाएंगे पर स्वाभिमान से कमाएंगे, हमारी आजीविका का थोड़ा हिस्सा हम फिर उसमें से हम एक अंशदान करते हैं अपने वन पंचायत को बनाए रखने के लिए। जैसे रेखा ने शुरू में कहा, हमारे नियम ही ये हैं कि जिस डाल पर बैठे हैं उसको तो हम कटने नहीं देंगे क्योंकि उससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, यानी हमारे वन पंचायत भी बरकरार रहे, हमारा प्राकृतिक धरोहर भी बरकरार रहे और उससे हम आमदनी भी कमाएं और आमदनी का थोड़ा हिस्सा उसके संरक्षण के लिए भी डालें। तो पर्यटन और संरक्षण का काम दोनों बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। पर्यटन से ही जुड़ा एक और सवाल सलोनी रावत ने पूछा है कि अगर हम पर्यटन की बात करें तो आपका चार धाम प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों की क्या सोच है, जो लोगों के लिए जीविका के तो कुछ चीजें लाएगा लेकिन एक वो लंबी सोच से टिकाऊ नहीं है, तो उससे लोगों को वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या दिक्कतें होंगी, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों का अगर कुछ सुझाव है तो वो क्या होगा। अच्छा सवाल है क्योंकि पर्यटन से पर्यटन दो धार तलवार है वो हम सब जानते ही हैं। दूसरा ये है कि अगर आप देखें कि इस तरह की यात्राएं जो इंसान करता है, हम सब घूमते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, हम पिलग्रिमेज करते हैं, यात्राओं पर जाते हैं, है ना। चार धाम यात्रा जो है परंपरागत रूप से बहुत पुरानी यात्राएं हैं, तो वो यात्रा करने का तरीका पुराना अलग था, उसमें आप अपने शरीर को अपने मन को एक तरह से एक टेस्ट था, आप उस वो यात्रा ही अपने आप में आपके अंदर की आत्मा को एक सुकून, क्या कहें, संघर्ष भी था और सुकून भी देता था। अब वो यात्राएं कहाँ रही, वो यात्राएं आप बसों में बैठकर मतलब इनोवा में जाना चाहते हैं चार धाम के लिए, वहां पर आप 70 किलो के हो 40 किलो के चार चार लोग आपको डोलियों में ऊपर ले जा रहे हैं, आप अपने आप को और अपने अंदर की जो आवाज है उसको तो बिल्कुल 5-star क्वालिटी का ट्रीटमेंट देकर आप एक यात्रा करना चाह रहे हो, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्केल का है, प्रॉब्लम यात्रा का नहीं है। श्रद्धा में अगर कोई अपने आध्यात्मिक सुकून के लिए यात्रा करता है उसको हम बिल्कुल मानते हैं कि वो करना चाहिए, लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, पर आप किस तरह से करते हैं वो एक प्रॉब्लम है, हमारे रूप में देख रहा है वो है प्रॉब्लम। स्थानीय लोग अगर यात्री आते हैं तो यात्रियों की सेवा भी करते हैं, यात्रियों से कमाते भी हैं। जब केदारनाथ का पूरा ये सैलाब आया था और वो संकट पैदा हुआ था, लोकल लोगों ने यात्रियों को बचाया, उनको खिलाया पिलाया, तो वो जो एक इंसानी रिश्ता है उससे हमें कोई समस्या नहीं है। जब उसको आप एक स्केल अप करके एक उद्योग के रूप में और पैसा ही कमाना आपका मूल मंत्र बन जाता है, उससे हमारी समस्या है। हम नहीं मानते कि पर्यटन को उस तरह का बनना चाहिए, उत्तराखंड में उस तरह का पर्यटन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोगों ने छोटे ग्रामीण स्तर के होम स्टेज जहाँ हम लोग खुद मालिक बने रहें उस तरह के होम स्टेज का हम प्रचार करते हैं, उसी को हम मान्यता देते हैं। खेतीबाड़ी से जुड़ा दो सवाल है, एक नलिनी का सवाल है कि जानवरों से संबंधित कुछ खेतीबाड़ी में लोगों को चैलेंजेस मुश्किल होती है क्या, और दूसरा है कि
जो आपकी उपज है उसको आप बिक्री करने के लिए कैसे करते हैं? मैं सोचूंगी शायद बसंती जी इसका जवाब दे सकते। अभी अभी बसंती जी थोड़ा बाहर गई है आप लोग तो। हाँ जी, तो जैसे खेती बाड़ी में है तो जंगली जानवरों से नुकसान तो काफी हो रहा है, लगातार बंदर यहाँ आते हैं, जो बंदर हमने देखे नहीं थे बचपन में, अब वो बंदर हमारे घर के अंदर किचन से ही खाना उठा के ले जा रहे हैं। और फिर यहाँ के सौला सुअर वो सब तो है, बड़ी खेती के लिए परेशानी तो बहुत है। लोगों ने जहाँ पर सौ सौ नाली लोग पहले कमाते थे उसमें अपना अनाज उगाते थे, आज के दिन वो बंजर पड़ा हुआ है। पर जो हमारे नजदीक के खेतों हैं उसमें हम खेती करते हैं, और बिक्री के लिए जो भी सामान यहाँ पे उगता है, जैसे सब्जी यहाँ दालों में कहें तो राजमा यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है, और आलू जो जिससे कैश इनकम होता है आलू और राजमा बिक्री करने से, तो ये सब्जियां जब यहाँ उगती है तो ज्यादातर यहाँ लोकल में बिक जाता है। अगर फिर ये ज्यादा हुई तो फिर इनको हल्द्वानी तक ले जाते हैं, और राजमा है तो पर्यटक सीजन में यहाँ पे खूब सारे पर्यटक आते थे तो वो भी खरीदते हैं, नहीं तो वो सब फिर बाहर ही भेजना पड़ता है। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, जैसे रेखा ने कहा कि जंगली जानवरों से तो हम उसका प्रकोप से तो लड़ ही रहे हैं और वो पुरानी लड़ाई है, पर हमने देखा है कि जब हम सिर्फ खेती पर निर्भर थे तब हम लोग उसमें किसान लोग ज्यादा मेहनत करके अपनी खेती को बचाने में मजबूर थे और लगे रहते थे। अब क्योंकि बहुत सारा हमारा खाना भी बाजारों से आने लग गया है और हमारे पास कैश इनकम अब थोड़ी बहुत बन गई है, तो खेती से भी हम देख रहे हैं कि लोगों का लगाव थोड़ा सा टूट रहा है, एक दूरी एक एलियनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसीलिए हम लोग अब इस बात पर भी जोर देते हैं कि अन्न स्वराज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम हर चीज को मार्केट से ना खरीदें ना मार्केट में ही बेचें। खाना अगर हम अपने सब्सिस्टेंस के लिए या हम अपनी खेती सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि उतना जितना हम खा पाएं अपने आप को पाल पाएं उस पर हम अपनी नजर केंद्रित करें, और कोविड के टाइम में तो ये बहुत गहरा एहसास हुआ हमें, जब ये कोविड आया बाजारें बंद हो गई, लोग वापस आने लगे, शहरों में भूखे मरने लगे, क्योंकि आप पैसे नहीं है जेब में तो आप खा नहीं सकते हैं। हमारा तो ये एहसास था कि जब हम आप जमीन से जुड़े हुए हैं आप कम से कम उतना तो उगा सकते हैं जिससे कि आप जिंदा रहें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर हो। हर चीज को हम मार्केट से जोड़ने का प्रयास अब कॉन्शियसली हम पूछ रहे हैं सवाल, क्या जरूरी है कि हर चीज मार्केट में जाए, क्या जरूरी है कि हर चीज को उस स्केल पर किया जाए, क्योंकि अगर हम स्थानीय रूप से देखें तो हम समृद्ध हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसी से हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एस्टेब्लिश करें। और एक और मूल मंत्र कि हाउ मच इज इनफ, कितना काफी है खुश रहने के लिए, वो हम बार बार अपने आप से पूछते रहते हैं, जरूरी है क्या हर बार मार्केट में जाएं, उतना उगाएं जितना हम समृद्ध और मतलब अपने आप को अपनी वेलबींग एस्टेब्लिश कर सके। हाँ जी, तो एक जैसे हमने अभी सब्जियों की बात कर रहे थे तो हमने मशरूम का शुरुआत किया है, तो दो तीन साल से पहले से हम ढिंगरी मशरूम उगाते थे, अब हम बटन मशरूम उगा रहे हैं, तो वो भी हम एक अपने महिलाओं का एक रोजगार के रूप में उसको देख रहे हैं। उम्मीद है अब एक दो साल में हम यहाँ से मशरूम पुणे तक पहुँचाएंगे। सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए एक सवाल डॉक्टर सुब्रश्री ने पूछा है, मैं उसको अंग्रेजी में भी पहले बोल दूंगी। What are the tools you use for resistance when you feel the government is doing injustice? जब सरकार ही अन्याय कर रही हो तो आप लोग किस तरह उसका संघर्ष करते हैं? ये तो सवाल संगठन के लोगों के लिए है ही, पर शायद हम सब जो आज इस मंच में बैठे हैं ये हम सब के लिए चुनौती है। आज के दौर में आप अगर अपनी आवाज ही बुलंद करो आपको पता है कि आपको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। ये इस माहौल में आज हम जी रहे हैं जहां पर हमारे कई साथी हैं जो लोकतंत्र में जो हमें आजादी मिली है बोलने के लिए, वो बोलने से ही आज उनको बंद किया जा रहा है। हमें वो एहसास है, जब हमने काम शुरू किया था हमें पता था कि चुप्पी तोड़ना ही सबसे बड़ा चुनौती होगा, पहला कदम है चुप्पी तोड़ना।
चुप्पी तोड़ने के बाद हम कैसे आगे बढ़ें, जब सरकार ही जो हमारा रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो हम क्या फिर तरीके अपना सकते हैं। पहला तो जैसे मैंने कहा चुप्पी तोड़ना, दूसरा हम शहीदी में विश्वास नहीं करते, अगर शहीद होना है तो होंगे ही, तो ये एक दो लोगों की लड़ाई है ही नहीं, जब ये इतनी व्यापक लड़ाई है तो हमें लगता है कि इसमें हमें अपनी संगठित आवाज अपनी ताकत जुटानी पड़ेगी। हम बहस करते हैं, हम हवा बदलने की बात करते हैं, हम हजारों लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं, हम एक दिन में नहीं एक अभियान में नहीं जिंदगी भर का अभियान चलाते हैं, तो जब वो ताकत जुट जाती है तो हमें लगता है कि वो दूसरा हमारा एक तरह से औजार या टूल है जो कि एक संगठित आवाज है। तीसरा हम ये मानते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और कानून है, जहां कानूनों का सहारा लेना चाहिए हम लेते हैं। हालांकि हमने देखा है बार बार ग्रामीण स्तर में जब आप ये पावर सेंटर से दूर रहते हैं तो आपको न्याय इन जगहों से कम ही मिलता है, पर वो भी एक औजार है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, पर सबसे मूल रूप तो ये है कि अपनी समझदारी, अपनी आवाज और फिर एक संगठित आवाज और लोकतंत्र में जो टूल्स दिए गए हैं हमें, जो हमारी संविधान में हमें मिलना चाहिए, उसका हम प्रयोग करते हैं। थैंक यू मलिका। एक और सवाल था दीप की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि पहले तो माटी को उनके काम के लिए बधाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उनका सवाल है कि जैसे वो नीति में काम कर रहे हैं, जैसे रेखा दी और बसंती दी अगर सरपंच हैं, तो उस तरह से उनका नीति बनाने में उनका दृश्य क्या है, व्हाट इज योर विजन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग उत्तराखंड बचाने के लिए। आजकल अगर देखा जाए तो लोगों की जमीन जा रही है, दूसरे लोग लेकर वहां पर जमीन ले रहे हैं और यहाँ के लोग जा रहे हैं, तो हाँ यही सवाल है। मैं कोशिश करती हूँ, फिर साथियों आप लोग भी जोड़ना इसमें। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि अगेन मैं वापस आती हूँ, हर एक हम जो इस मंच में बैठे हुए हैं या इस मीटिंग में हम भाग ले रहे हैं, हम नीतियों पर कैसे प्रभाव डालें, मतलब एक नागरिक होने के नाते कौन सुन रहा है हमारी बात। हाँ, जब हमें सीधा हमारी जिंदगी पर प्रहार होता है तो इंसान फिर बोलेगा ही। एक महिला होने के नाते अगर ऐसी नीतियां बनाई जाए या जो महिला आंदोलन ने संघर्ष करके नीतियां ऐसी बने, कानून ऐसे बने जिससे हमें संरक्षण मिला और अब उनको बदला जा रहा है, वो तो सीधा हम पर चोट पहुंच रही, तो हम बोलेंगे ही। तो हमें ये एहसास है कि लोग तभी बोलते हैं जब उससे वो प्रभावित होते हैं। ये हमारा एक तरह से हमारे समाज का एक तरह से नियम ही बन गया है, और इसलिए हमें लगता है कि अगर हमारी जिंदगी के किसी हिस्से में प्रहार हो रहा है, उदाहरण के लिए आप वन पंचायतें का ही लीजिए, हमारी वन पंचायतों में अभी ये हमारी संचायती वन है, इसमें लोगों की एक जुड़ाव है, लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि वन विभाग वन अधिकार कानून होने के बावजूद वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा वन पंचायत भी उनके अधीन आ जाए। सरपंच होने के नाते, पंच होने के नाते, हकदार होने के नाते हम लोग इसमें मीटिंग्स करना शुरू कर लिए हैं। जो बातें नीति बनने के बाद हमारे सामने पेश होती है, शुरुआत में ही हम उस पर चर्चा करने लग गए हैं, ताकि नीति बनने से पहले हम अपनी आवाज बुलंद कर पाए, और उसके लिए फिर संगठित होने के अलावा कोई चारा नहीं है, संवाद के अलावा कोई चारा नहीं है। रही बात भूमि से, एक तरह से जो भूमि बिक रही है, एलियनेशन बढ़ता जा रहा है, अगर सरकार ग्रामीण इलाकों में निवेश नहीं करेगी, अगर ग्रामीण इलाके समृद्ध नहीं होंगे तो लोग माइग्रेट करेंगे, वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, लोग हमारे इलाकों से छोड़ के जाएंगे और उनको लगता है छोटी सी की भी कीमत मिल जाए जमीन के लिए, लो हम बेचते हैं बबाल टलाई, और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बदल गई हैं, उनको लगता है शहर की जिंदगी कुछ नायाब है, गांव की जिंदगी एक तरह से अब पीछे रह गए हैं। उस मानसिकता को बदलना कि पहली बात वो एलियनेशन जो हो रहा है, जो एक दूरी बन जा रही है कृषि से, जीवन शैली से, उसको हम चुनौती दें। इसलिए हम लोग मुंसियारी जैसे क्षेत्र में हमारे गांव में अगर आप आए, संघर्ष की बातें तो हमने बहुत की, हम लोग बहुत सारा जश्न भी मनाते हैं, हम सेलिब्रेट बहुत करते हैं, जो हमारा
धरोहर है, हमारे मेले होते हैं, हम लोग फेस्टिवल्स करते हैं, जिससे कि बच्चों को लगे कि हम छोड़ के क्यों जाएं, ऐसी जगह क्यों हम छोड़ें और जाके शहरों में नौकरी चाकरी करें, जहां जब जबकि हम यहाँ रहकर मालिक के रूप में रह सकते हैं। तो पूरा स्पेक्ट्रम है। नीति तक जाने के लिए पहले हमें अपने ही धरोहर को वैल्यू करना पड़ेगा, हमारी एस्पिरेशंस बदलनी पड़ेंगी। एक तरह से जरूरत है रूरल रेनेसांस के लिए, जहां पर लोग अपने ही इलाके को मजबूती से बचाएं, उसको सेलिब्रेट करें और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हों। कभी कभी हमें तो अजीब लगता है कि एक गीत है जिसको हम गाते हैं, जिससे मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है, जिसमें हम कहते हैं लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरह से हम लड़ रहे हैं, पर लड़ भी इसलिए रहे हैं कि ऐसी जिंदगी हमें मिले जिसमें हम सब पीठ सीधी करके आत्मसम्मान के साथ जी सके। आपने माइग्रेशन का मुद्दा रखा, उसके ऊपर ही एक दूसरा सवाल अरुण दीक्षित का है कि आप लोग गांव में माइग्रेशन को किस नजरिए से देखते हैं। ये वैसे आपने थोड़े रूप से जवाब दे दिया है, साथ ही में वो पूछ रहे हैं कि इसका सोशल कैपिटल पर और महिला संगठन पर क्या असर पड़ता है इस माइग्रेशन का। सोशल कैपिटल को भी हिंदी में क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं शुरू करती हूँ और फिर मैं रेखा को रिक्वेस्ट करूंगी। रेखा अपना उदाहरण जरूर दीजिएगा कि आप शादी करके कहाँ गए, फिर कहाँ वापस आए और क्यों। मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहूंगी कि माइग्रेशन एक तरह से इंसानी फितरत है। आप देखिएगा कितने हजार साल पहले हम सब अफ्रीका से निकल कर आए और इस महाद्वीप में हम सेटल हुए हैं। इंसानी माइग्रेशन हम उसको माइग्रेशन को बुरा नहीं मानते हैं। हमें दिक्कत है डिस्ट्रेस माइग्रेशन से, जब इंसान परेशान होकर किसी जगह से या कोई उम्मीदहीन होकर कि कोई उम्मीद नहीं है तब वो माइग्रेट करते हैं। हमें तो ये लगता है चुनौती ये है कि माइग्रेशन को रोकने के लिए जिस जगह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के माहौल को आप कैसा बनाते हैं, वो है चुनौती। इसलिए हम मानते हैं कि मुंशियारी जैसे इलाके में आर्थिक तरक्की, सामाजिक समृद्धि, सांस्कृतिक रिन्यूअल या ये सब जब एक साथ होता है तो फिर लोगों को माइग्रेशन करने की जरूरत कम महसूस होती है। और वो नैरेटिव को चेंज करना कि अर्बन एरियाज ही एक तरह से बढ़ोतरी है या मार्केट से कनेक्ट होना वही एक विकास का हिस्सा है, वो एक मानसिकता को चैलेंज करना। रही बात सोशल या सोशल कैपिटल की, हम तो मानते हैं जिसको जाना है वो जाए। एक तरह से ग्रामीण इलाके में हम देख रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं आजीविका के स्रोत हैं लिमिटेड है। हमारे इलाके में सिर्फ 4.5% भूमि है जो कृषि योग्य है, बाकी का कृषि योग्य जो भूमि है वो भूमि कृषि के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो लोग तो जाएंगे ही, पर जो हम बाकी के लोग रह जाते हैं उनके लिए वो जीवन किस तरह से समृद्ध हो, वो हमारा प्रयास है एक संगठन के रूप में। और रेखा, अगर तुम बताते हो कि तुम जब चले गए थे शादी करके क्यों वापस आए। हाँ जी, तो जैसे मैं शादी करके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चली गई थी तो एक दो दिन ठीक था, एक दो महीने ठीक लगा। फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पे अपना सभी साथी लोग थे, मैं माटी में जुड़ चुकी थी और फिर जब मैं वहाँ गई तो फिर ना वहाँ कोई आपस में उतना एक दूसरे के सामने कोई बात न चीत, एक दो लोग हैं वही बोल रहे हैं, बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है और हमेशा कमरे में ही बंद रहो, बस इंतजार करो कि अभी आएंगे तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो उस तरह का थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया कि ये भी क्या जिंदगी है, बस अंदर ही बैठे रह जाओ और बस झांकते रहो, छत में से बैठो, नीचे रोड को झांको, इस तरह का बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने निश्चय किया कि मैं वापस आऊंगी और वापस मुंशियारी में ही अपना घर बनाऊंगी। तो फिर मेरे माँ पिताजी ने मुझे जमीन दिया और मैंने अपना घर यहीं बना लिया। जैसे वहाँ पानी की भी समस्या,
पहले तो मैं वो पानी के जो सिंटेक्स के ड्रम, पहले शुरू में तो सिंटेक्स की कंपनी चलती थी, तो उस ड्रमों को पहचान ही नहीं पाई कि ये, मैं पूछती थी मेरे पति को कि ये हर किसी के छत में ये काले डब्बे क्यों रखे हुए हैं, तो पता चला कि वो तो पानी के लिए रखते हैं। तो खैर अब हम भी रखने लग गए हैं वो काले डब्बे छतों में, पानी की कमी तो हो ही रही है। तो वही है कि माइग्रेशन यहाँ से लोगों को शुरू में लगता है कि बहुत अच्छा है, शहर जाएंगे देखेंगे, लेकिन जो वहाँ पे माहौल मिलता है तो उसके बाद घुटन होने लगती है, तो फिर हम वापस आ जाते हैं अपने घरों की ओर। बढ़िया, बहुत ही अच्छा चर्चा चल रही है। और एक सवाल सृष्टि की तरफ से आया है कि do you see transformations among young men in the context of Marty's process of challenging patriarchy? जो पैतृसत्ता को आप लोग चुनौती दे रहे हैं, उसमें क्या आपको आज के युवा पुरुष लोग में कोई बदलाव दिखता है क्या? और क्या वो लोग भी इन सब चीजों पर सवाल उठाने लगे हैं क्या पैतृसत्ता के ऊपर? हाँ, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, फिर साथियों आप लोग भी अपना इसमें जरूर जोड़िएगा जो आपको लगता है, क्योंकि हम में से कई लोगों के अब बेटे बड़े हो गए हैं और हमारे यंग जो बच्चे हैं हमारे गांव में क्षेत्र में, उनके साथ किस तरह का हमारा संवाद चल रहा है, उस पर हमारे साथी लोग जरूर जोड़ें। मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से एक बदलाव आया है। न्याय का जो एक एहसास है वो सब में है, पर एक तरह से पुश बैक भी हमें एहसास, उसका भी एहसास हो रहा है। जैसे जैसे हम महिलाएं और मुखर हो जा रही हैं और आगे बढ़कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। एक तरह से हमारे मुखर हो जाने से और मजबूत हो जाने से हमें व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा खामियाजा नहीं भरना पड़ा है, पर पुरुष लोग निष्क्रिय होते जाते हैं। ये मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल चीज कह रही हूं, पर मुझे तो अब एहसास होने लगा है कि एक तरह से हमारे क्षेत्र के पुरुषों में एक व्यापक डिप्रेशन सा का माहौल सा बन गया है। जो लोग बाजार से जुड़े हुए हैं, जो लोग ये प्रॉमिस कि भाई आप पढ़ लिख लो, नौकरी में लग जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, अब लोगों को ये, पुरुषों को ये एहसास खासकर होने लगा है कि नौकरियां मिल नहीं रही हैं, पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ रास्ते खुल नहीं रहे हैं, और खेती से वो अब एक तरह से छोड़ चुके हैं। उनमें एक टूटन का एहसास बहुत हमें हो रहा है और उसी के साथ जुड़ा हुआ है ये पूरा दारू का मुद्दा। महिलाओं का यह है कि हम हमारी जिंदगी में तो हम 100 बार टूटती हैं और 100 बार जुड़ती हैं, इस कारण से, और हमारी जीत और हमारी हार रोज का एक सिलसिला है। तो बड़ी हार हमें वो बड़ी हार के साथ जूझना नहीं पड़ता है जैसे पुरुषों को, कि आज की अर्थव्यवस्था में आपके लिए कोई जगह ही नहीं रही। तो एक तरह से हम उनका दर्द और पीड़ा समझ भी रहे हैं, क्योंकि पुरुषों को ये कहा पितृसत्ता है, पर पितृसत्ता में पुरुष भी फंसे हुए हैं कि उन्हीं को कमा के लाना है परिवार के लिए, और अगर वो सफल नहीं हो पाए तो वो आत्महत्या तक चले जाते हैं, जो कि हमारे देश में हमको देखने को मिल रहा है। महिला किसान 100 बार सोचेगी, छोटे से छोटे काम करेगी, पर शायद वो आत्महत्या इसलिए नहीं करेगी कि उसके सामने अपने बच्चों का चेहरा आ जाता है। विवशता वही है, पर मुझे लगता है पितृसत्ता पुरुषों को आज के दिन बहुत बुरी तरह से तोड़ रही है, और खासकर पूंजीवादी व्यवस्था और पितृसत्ता का जो चोट है पुरुषों पर बहुत पड़ रहा है। यंग पुरुषों को लेकर उनका नजरिया, उनका सोच बढ़िया है, आधुनिक है, पर उनकी चुनौतियां हमसे ज्यादा हैं। हमें तो उनके लिए एक तरह से संवेदना है कि वो कैसे इन समय में एक पुरुष, जिसको कहते हैं जो पुरुष की भूमिका बनाते हैं, उस छवि में वो कैसे खड़े उतरेंगे। और साथी लोग, आप अपने बेटों के बारे में या हमारे समाज के जो लड़के हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहते हो? जैसे आजकल जो हमारे उम्र के लोग हैं, जैसे हमारे घर में पितृसत्ता तो पहले से ही चले आ रही है, लेकिन
समय के साथ साथ थोड़ा यंग लड़कों में और थोड़ा उनके सोच में तो बदलाव आ ही रहा है, लेकिन बदलाव के साथ साथ भी वो लोग कहीं से जकड़ गए हैं। जैसे हम महिलाएं होते हैं, जैसे दीदी ने बोला कि हम छोटे छोटे चीजों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, पर वो लोग एकदम निराश हो गए हैं। मतलब वो लोग एक तो कुछ कह नहीं पाते अपने मन की बात। हम महिलाएं तो हमें कुछ भी छोटी सी भी बात होती है तो हम सब अपने आस पास या अपने सहेलियों से शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो अपने अंदर ही अंदर कहीं घुट से जा रहे हैं, खो से जा रहे हैं। मतलब उनको ज्यादातर समाज से तो कोई लगाव ही नहीं है। बहुत कम कम ऐसे युवा है जो आज के डेट में समाज के बारे में सोच रहे हैं। इस मुद्दे से जोड़कर ही अगर आप जंगली स्कूल पर थोड़ा और बात करना चाहेंगे कि ऐसे जंगली स्कूल जैसे प्रयास अगर और हो या वैसा ही कुछ सोच हो, तो क्या उससे इस सिचुएशन में कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? हाँ जी, तो जैसे हम लोगों ने अभी इस बीच में जब लॉकडाउन ये सब हुआ था तो इसमें स्कूल सारे बंद थे, तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि हमारे गांव के जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं उन सबको जोड़ने का प्रयास, कि किसी ट्रेनिंग के माध्यम से, जैसे तितलियों का ट्रेनिंग हो, पक्षियों के बारे में हो, या अपने वन पंचायत के को लेके, जिस तरह से वन पंचायत में नुकसान होता है तो कैसे अपने गांव के नौजवान बच्चे भी उस अपने वन पंचायत को जाने पहचाने, तो उनमें जोड़ने का हमने बहुत प्रयास किया उनको, और बच्चे जुड़े भी, लड़के लड़के भी इसमें खूब जुड़े हैं। मैं इसमें दो शब्द जोड़ना चाहूंगी। जैसे रेखा ने कहा, निराशा एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। अभी तो कोविड को लेकर तो ये हम देख ही रहे हैं कि लोगों की आजीविकाएं तो गई हैं, पर इसके साथ साथ लोग निराश भी हो जा रहे हैं, और शायद जो अगला जो सैलाब आएगा वो यही होगा कि अब जिंदगी का हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, चाहे वो आजीविका को लेकर हो, हमारे सामने बड़ी समस्या के रूप में प्रकट हो रहा है। और उसी का एक छोटा नमूना रोजमर्रा जिंदगी में चलता रहता है। अगर हम उत्साह नहीं ढूंढेंगे, हमें ये पता है कि जिस चीज से हम प्यार करते हैं उसी के लिए हम मरने को तैयार हैं। प्यार ही एक ऐसी चीज है जो हमें एक ऐसी बैटरी की तरह है कि वो हमें प्रेरित करती है कि हम कई लोग तो उसको देश का प्यार कह देते हैं, मैं तो कहती हूँ अपनी जगह से प्यार। और प्यार तभी पनपता है जब आप किसी चीज को पहचानो। और जैसा जैसे रेखा कह रही थी, हमारा प्रयास ये है कि लोगों का लगाव अपने पर्यावरण, अपने क्षेत्र, अपने संस्कृति, अपने इलाके से हो, और वही फिर एक उत्साह का स्रोत बने कि लोग फिर उसको बचाएं, उसको एक उसे एक रिश्ता बनकर उससे फिर आगे निकलें। और जंगली स्कूल का जहां तक रहा है, स्कूलों में तो क्या शिक्षा दी जाती है, वो तो कई बार हमें लगता है कि ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आप बनो, पढ़ो लिखो, बनो अफसर। और फिर जब गांव में ऐसे रेस में जहां पहले से ही तय है कि आप फेल हो जाओगे, आप तो उनको फेलियर के लिए की ओर ही धकेल रहे हैं। तो जंगली स्कूल में हमारा ये कहना है कि साक्षरता के साथ शिक्षा वही है जो आपके चरित्र निर्माण पर भी ध्यान दे, ना केवल आपने ना आंकड़े या साक्षरता को भरे। तो जंगली स्कूल का वही प्रेरणा का एक स्रोत, ना कोई हमारा स्कूल है, ना कोई बिल्डिंग है, हम एक ग्रुप है, बच्चे ही नहीं हम बड़े लोग भी हैं उसमें, जिसको उसमें रुचि है वो जंगली स्कूल का सदस्य बन जाता है। और हम मानते हैं कि वही हमारे इलाके के लिए अंत में यही बच्चे हमारा भविष्य हैं। अगर कोई आप जंगल में जाएं और उसमें बहुत बड़े विशाल पेड़ आपको नजर आए और नीचे कोई छोटे पेड़ है ही नहीं, तो उसको आप जंगल का स्वरूप नहीं मानेंगे। अगर संगठन में हम कुछ लोग या महिलाएं या पुरुष, आज के बुजुर्ग लोग मजबूत रहे भी, पर अगर बच्चे प्रेरित ना हो और कल की पीढ़ी इसको अपना मानकर लड़ेगी नहीं, तो वो भरपूर जंगल बन नहीं पाएगा।
अभी मुझे लगता है हम थोड़ा इसको समेटना शुरू कर देते हैं चर्चा को। तो एक बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि 22 तारीख को वन पंचायतों के ऊपर संगठन के साथी लोग चर्चा करेंगे और उसकी जो जानकारी है वो भी चैट बॉक्स में श्रुति ने भेजी है, तो आप लोग जरूर अगर आपको दिलचस्पी है तो अगर जल जंगल जमीन की बात पर थोड़ा और गहरी समझ बनानी है तो उसमें आप जरूर जुड़े। उसके अलावा जैसे कि अभी बात चल रही है शिक्षा की, तो मल्लिका दी ने पहले थोड़ा बता ही दिया इसके बारे में, बट एक सवाल भी आया है अभी अरुण दीक्षित की तरफ से कि शिक्षा ये गांव के पहाड़ी गांव के शिक्षा प्रणाली के बारे में आप लोगों का क्या सोच है, नजरिया है। अरुण, इसमें अगर मैं अपना मत रखूं और लोग भी रखें, पहाड़ी शिक्षा प्रणाली, जैसे आप हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स देखिए, प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, हमारे इलाके में हमारे बच्चे कई हमारे ही स्कूलों से पढ़कर आज के दिन कॉलेजेस में जा रहे हैं और शिक्षा बुरी नहीं है, टीचर समर्पित हैं, पर आप ये जो पूरा निजीकरण का अभी जो दबाव और एक प्रभाव सा चल रहा है, धक्का जो लगा रहे हैं और सरकार भी इसकी ओर धक्का लगा रहे हैं, पहाड़ में भी अब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाएं, टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, इंग्लिश में वो शिक्षा लें, जिससे कि हमें लगता है कि जो हमारी मूल ताकत है उस पर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी में और पहाड़ी में अगर लोग सीखें जिसमें वो उनकी मातृभाषा है जिसको वो समझते हैं, वो ठीक ठाक ही बच्चे निकले हैं। आगे चलकर उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में स्थित है, वो हमारे ही इलाके का एक गांव का लड़का रहा जो कल आगे चलकर वो डीन बना उस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का। तो पहाड़ी शिक्षा प्रणाली अपने आप में ठीक थी, पर उसका बहुत ही व्यवस्थित रूप से मार्केट इंटरवेंशन के द्वारा, निजीकरण के द्वारा तोड़ा जा रहा है, जो हमें बहुत खेद है। गरीब घर के बच्चे अब शिक्षा से वंचित ही रह जाएंगे, वो टूटी फूटी इंग्लिश के इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स जिसको कहते हैं उसी में शिक्षा, अब उसी पर लोग जोर दे रहे हैं, उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे तो हमें ये हमें लगता है कि हमारे पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। हाँ जी, तो वैसे ही जैसे दीदी ने कहा कि ये अब जैसे गांव में भी कंपटीशन की भावना हो गई है, तो उसमें लोग सोचते हैं अरे इसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में 1000 रुपया फीस वाले स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा 1500 वाले में पढ़े। तो और जो पलायन हो रहा है इसमें भी वही है कि जो जिसका मुंशियारी में पढ़ाने का है उनका हिम्मत, तो वो मुंशियारी तक, और फिर नौकरी वाले यहाँ से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ वाले हल्द्वानी, हल्द्वानी वाले दिल्ली, तो ऐसे शिक्षा का चला आ रहा है। और जो दीदी ने कहा कि गांव के स्कूल थे, ये हमारे सरकारी स्कूल थे, आज के दिन वो कई जगहों पे तो बंद ही हो गए हैं। हमारे पास में प्राइमरी स्कूल है, उस स्कूल में पढ़े हुए बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे नौकरी में हैं आज के दिन, और जो बच्चे वहाँ से निकल के भी आए हैं तो वो भी बहुत अच्छे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पर यही है कि प्राइवेट स्कूलों के होने से, इंग्लिश का होने से, और थोड़ा ड्रेसों का चकाचक उनका ड्रेस होने के कारण से, माँ बाप भले ही यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो वो भी उन्हीं के साथ खींचे जा रहे हैं। बेटियों को भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ा लेंगे, बेटों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, तो ये शिक्षा पर तो ये है ही। मुझे लगता है अगर अभी और सवाल नहीं है तो हमें ये समेटना शुरू कर देना चाहिए। और ये जो पूरी चर्चा हुई है इसमें आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणिक, प्राकृतिक मुद्दे एक साथ मिलकर उनकी समझ बनाई गई है, उनमें किस तरह से उनको अलग अलग खांचों में नहीं डाला जा सकता और एक दूसरे पर उनका क्या प्रभाव है वो साफ दिखकर आ रहे हैं। ये जो सारी चर्चा है इसका आशीष जी ने बहुत अच्छे से साथ ही साथ अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, तो अभी मुझे लगता है कि जो विकल्प संगम और विकल्प वार्ता के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस पर बातचीत करके इसको समेट सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं
यहाँ पर जो सभी लोग इसको सुनने आए हैं और जो संगठन के साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। सृष्टि आप समापन कर रही हैं? मुझे तो खाली यही बोलना है कि 20-25 साल जितने भी साल से सुनते आ रहा हूँ माटी की महिलाओं का, हर बार प्रेरित होता हूँ और आज भी हुआ हूँ, और हमेशा कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी आप वीडियो थोड़ा एक मिनट ऑन भी कर देते तो आखिर में आप सब दिख भी जाएंगी। अच्छा हम नहीं दिख रहे हैं? नहीं यहाँ से तो पता नहीं क्यों इसमें कुछ बोल रहा है, ये हो ही नहीं रहा है सबसे पहले हमको लगा कि आपने बंद कर दिया हमको। नहीं नहीं ऐसी हमारी कौन सी, अभी आया। हाँ भाई इतने देर से आपने देखा ही नहीं। ठीक है एक्चुअली वो वीडियो ऑन होता है तो तब कभी कभी आवाज भी ठीक नहीं आ रही थी, तो वीडियो ऑफ होने से आवाज अच्छी आ गई, लेकिन कम से कम आखिर बार एक बार तो देख लें। हाँ जी आप सब अगर एक आ जाते हैं तो मैं एक वो भी ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। सभी पार्टिसिपेंट्स अगर अपना हाँ सभी लोग खोल लेते हैं। रेखा जी आपको कुछ बोलना पड़ेगा तो कि मैं बढ़िया और शिवा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक मिनट एक लास्ट मिनट उससे पूछा और बिल्कुल एकदम तैयार हो गई मॉडरेट करने के लिए, थैंक्स शिवा। दीपा दी भी यहाँ है जो काफी पुराने मैं भी दीपा नहीं ऑन नहीं हो रहा है, हो गया मेरा भी ऑन होता है तो फिर चर्चा बंद हो जाती है। बहुत सारे साथी हैं जिनको हम पहचानते हैं नाम से नहीं पर सबको सलाम आवाजें सुन के बढ़िया। और रेखा आपने कहा कि अब मशरूम्स आ रहे हैं और शायद पुणे भी भेजेंगे तो मैं उसी का इंतजार करूंगा। नहीं आपको तो इधर ही आना पड़ेगा मशरूम खाने के। अच्छा ठीक है। सबको हम अपनी तरफ से कह रहे हैं मुनस्यारी एक बहुत सुंदर जगह तो है ही पर साथ में आप सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है कि आप आइए और हमारे साथ हमारे मुद्दे समझिए, और हम तो मानते हैं कि यह शहर और गांव के बीच जो एक तरह से खाई बन गई है उस खाई को भी हम पाटें और हमारे प्रयास में आप लोग जुड़े, हम लोग इसके लिए बहुत शुक्रगुजार होंगे। बहुत सारे मित्र जो हैं वो हमारे हमराही हैं, मुनस्यारी उनका भी एक तरह से घर है, जितना समय वो हमारे साथ बिताते हैं वो हमारे हाथ मजबूत करते हैं और शायद उतना ही वो वापस अपने साथ लेकर जाते हैं, तो आप सबको हमारे साथ इस छोटे सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ठीक है थैंक यू विकल्प वार्ता के लोग बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू ऑल। आप सबसे किसी को भी मैंने देखा है कि काफी मैसेजेस आए हैं और विकल्प वार्ताओं के बारे में जानने के लिए, तो हम ये वीएस कोरोना टाइम्स हम इसमें अभी डाल रहे हैं वेबसाइट का लिंक, आप उसे देख सकते हैं और उसमें बाकी विकल्प वार्ताओं के बारे में भी देख सकते हैं और उसमें रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। धन्यवाद सबको, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू शिवा, थैंक यू आशीष, थैंक यू सृष्टि, थैंक्स बाय। अच्छा हुआ इट ऑल वर्कड आउट, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ बढ़िया रहा। ठीक है बाय 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 बाय।